कहानी की शुरुआत में बहुत सारे रशियन जवानों को दिखाया जाता है। मेजर को सूचना मिलती है कि कोई अनजान चीज उनकी तरफ आ रही है और उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन दिखने में वो इंसान से काफी बड़ी है। तब ये सीन एक महीने पहले शिफ्ट हो जाता है, जहां ओलेग नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एलिना नाम की एक लड़की के साथ डेट पर आया है। डेट काफी अच्छी जाती है, जिसके बाद दोनों एक साथ रात बिताते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि धरती की कुछ ही जगहों को छोड़कर पूरी दुनिया की लाइट चली जाती है, और जिन जगहों पर लाइट नहीं है उन जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। जो जहाज आसमान में थी वो जहाज भी अचानक नीचे गिर जाते हैं। ओलेग भी बहुत सारे ड्रोन्स देखता है जो एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। इस बात से डरकर वो नीचे आते हैं और न्यूज देखते हैं। न्यूज में एक ही बात का जिक्र चल रहा है कि पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो चुका है। साथ ही न्यूज में बताया जाता है कि मिलिट्री वालों ने इन ब्लैकआउट एरिया में अपने ड्रोन भेजे, लेकिन वो ड्रोन अब तक वापस नहीं आए। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वे अपने घरों में ही रहे। वहीं मेजर को भी चिंता सताई जा रही है कि उसने जो ड्रोन भेजे थे वो अब तक वापस नहीं आया है। इसलिए वो अपनी एक छोटी सी टीम को लेकर ब्लैकआउट एरिया में चला जाता है। इसी हेलीकॉप्टर में एक प्रेस वाली लड़की भी है, जिसका ओलया नाम है। ये लोग इस ब्लैकआउट एरिया में आ जाते हैं। इस ब्लैकआउट एरिया को क्वारंटीन नाम दिया जाता है, जिसके बाद ये टीम एक मॉल में जाते हैं, लेकिन मॉल के अंदर देखते ही कोई इंसान जिंदा नहीं है, सभी लोग मर चुके हैं। तभी उनकी टीम का एक सैनिक दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन कोई अनजान चीज आकर उस पर अटैक कर देती है और उसकी गन को लेकर भाग जाती है। सारे सैनिक इस अनजान चीज पर गोलियां चलाते हैं। इस चीज को गोलियां तो लगती है, लेकिन उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। घायल सैनिक से भी पूछा जाता है, लेकिन वो बताता है कि मैंने इसे नहीं देखा, वो बस मेरी गन लेकर भाग गया। वही हम बेसमेंट के अंदर यूरा को देखते हैं, जो अपनी मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम थोड़ी सी मेंटली डिसेबल्ड है। यूरा यहाँ पर मिलिट्री में काम करता है, लेकिन वो छुट्टी लेकर रह रहा है। धरती में आए संकट के बाद उसे मिलिट्री का कॉलिंग लेटर आ जाता है, इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है। यूरा को उसी बेस पर बुलाया जाता है जहाँ ओलेग रहता है। ओलेग और यूरा, इन दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती भी होती है। जब ये दो यहीं पर होते हैं, तब यहाँ पर एक मेजर आती है, जिसका नाम मरीना है। मरीना बताती है कि हम ब्लैकआउट एरिया यानी क्वारंटीन एरिया में जितने भी लोगों या सैनिकों को भेज रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे। मैंने अपने 70 टैंकों को भेजा था, लेकिन एक भी टैंक वापस नहीं आया। साथ ही बताती है कि तुम लोग ब्लैक एरिया में गए थे और जिंदा लौट कर आए हो, इसलिए मैं इसी टीम को ब्लैकआउट एरिया में लेकर जाऊंगी। वही एलिना भी इसी मिलिट्री कैंप में आ जाती है, और हमें पता चलता है कि एलिना एक डॉक्टर है। लेकिन तभी यहाँ पर इमरजेंसी लाइट बजने शुरू हो जाती है और ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं और सारे जवान अपनी अपनी पोजिशन ले लेते हैं। मेजर बताता है कि कोई इंसान से बड़ी चीज हमारी तरफ आ रही है, लेकिन जिस बेस पर ये लोग होते हैं उस बेस की लाइट चली जाती है। अब यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तभी जंगलों के बीच एक अनजान चीज आती है और उन सभी जवानों पर हमला कर देती है। लेकिन अगली सुबह हमें पता चलता है कि जो जंगल की तरफ से आए थे वो भालू थे, और ये भालू एक या दो नहीं थे बल्कि कई सारे थे। मरीना और मेजर डोलमोटोव ये दोनों बातें करते हैं कि अचानक इतने सारे भालू एक साथ इसी दिशा में क्यों आए। वही हॉस्पिटल में हम साशा नाम के एक जवान को देखते हैं। उसे अलग अलग सपने आते हैं, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है, और जैसे ही वो देखता है तो उसके पास एक अनजान आदमी होता है, और ये लड़का अपना नाम जेनिया बताता है। साशा बोलता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। जेनिया बताता है कि मुझे ईड ने भेजा है। जेनिया साशा को बताता है कि पहली वेव में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गई, दूसरी वेव में बहुत सारे इंसान और जानवर मारे गए, लेकिन तीसरी वेव में जो लोग बच चुके हैं अब वो हथियार बन चुके हैं, और वो लोग आप लोगों पर हमला करने के लिए आएंगे। इन सब के पीछे एक आदमी है जो इन सभी लोगों का माइंड कंट्रोल कर रहा है, और तुम अपने विजन से देख सकते हो कि वो आदमी कहाँ पर है और हमारी मदद कर सकते हो। तभी सैनिक अंदर जाते हैं और साशा चिल्लाने लगता है, और वो बोलता है कि इस आदमी को बाहर निकालो, लेकिन सैनिक देखते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। वही मेजर भी मरीना के कहने पर अपनी टीम को लेकर ब्लैकआउट एरिया में जाने का फैसला करता है। जो टीम ब्लैकआउट एरिया में जा रही है उसमें यूरा शामिल है। यूरा के साथ ओलिया भी जाएगी, जो कि एक प्रेस वाली है। दिन के समय ये लोग ब्लैकआउट एरिया तक पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि यहाँ के टैंकर जो इन्होंने भेजे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। मेजर यहाँ पर एक गाड़ी पर चढ़ जाता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ के सारे बिल्डिंग्स एक ही कतार में टूटी हुई है। ओलिया भी इन चीजों को रिकॉर्ड करके न्यूज में भेजती है। न्यूज पर जब ये खबरें दिखाई जाती है, तब जिंदा बचे लोग भड़क जाते हैं और वे लोग अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मिलिट्री वाले फैसला करते हैं कि हमें ब्लैकआउट एरिया में जाना होगा, पता लगाना होगा कि हमारा दुश्मन आखिर है कौन। जिस टीम में यूरा होता है, ओलिया भी उसी टीम में होती है, जहाँ इन दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है। वही ओलेग जिस टीम में गया है उस टीम में एलिना जाती है। वही हम साशा को देखते हैं जो हॉस्पिटल से बाहर आकर खुली जगह पर बैठ जाता है, लेकिन तभी साशा के पास एक अनजान आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं ही ईड हूँ। साशा को लगता है कि ये फिर उसको भ्रम हो रहा है, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ईड बोलता है कि मैं तुम्हारा वहम नहीं हूँ।
मैं सच में हूँ, और बोलता है कि तुम तीसरी वेव को रोक सकते हो। जब ईड अपना मास्क उतारता है तो उसका चेहरा कुछ अजीब तरीके से होता है। तब तक यही पर मरीना होती है। वो अपने सैनिक के साथ यहाँ पर आ जाती है और इस अनजान ईड को हाथ ऊपर करने के लिए बोलती है, लेकिन ईड कुछ रिएक्ट नहीं करता और वो सारे सैनिकों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और सारे के सारे सैनिक मरीना की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। और ईड मरीना से बोलता है कि शायद तुमने मेरी शक्तियों का अंदाजा लगा ही लिया होगा। तब ईड बोलता है कि मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूं। वही यूरी की टीम भी रात को घात लगाए बैठी है और उन्हें पता चलता है कि स्टोर के अंदर हलचल हुई है और कोई आया है। वो स्टोर के अंदर बॉम्ब फेंक देते हैं और जब स्टोर के अंदर जाते हैं तो पता चलता है यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो मरा नहीं केवल घायल हुआ है। उसे ये लोग मिलकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। मरीना भी ईड से सवाल पूछ रही है और बोलती है कि तुम हो कौन। ईड बोलता है कि मैं वो हूँ जिन्हें तुम एलियन बोलते हो, और मैं मेरे ग्रह से 2,00,000 साल पहले निकला था और 2,00,000 साल बाद यहाँ पर धरती पर पहुंचा हूँ। आगे बताता है कि मेरा प्लेनेट खत्म होने वाला है क्योंकि मेरे प्लेनेट का सूर्य कमजोर हो चुका है, इसीलिए हमने तुम्हारे प्लेनेट को खोजा है रहने के लिए, क्योंकि तुम्हारा प्लेनेट भी अच्छा है और यहाँ का सूर्य भी नया है और हम सभी धरती वालों को मारना चाहते हैं ताकि ये धरती हमारी हो जाए। ईड बोलता है कि मुझे लगा कि मेरे प्लेनेट से सिर्फ मैं ही यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ पर रा नाम का एक और एलियन आ चुका है, वो भी मेरे प्लेनेट से ही है। मैंने तो केवल यहाँ पर ब्लैकआउट किया था, लेकिन सारे जीव जंतु का माइंड कंट्रोल वही कर रहा है और सारे लोगों को हथियार वही बना रहा है। और तुम्हारे यहाँ पर साशा नाम का सैनिक है, केवल उसी ने रा को देखा है, इसलिए मैं साशा की मदद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि असल में रा आखिर है कहाँ पर। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे प्लेनेट के सारे निवासी यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे ग्रह से यहाँ पर आने में 2,00,000 साल लग जाते हैं। मरीना बोलती है कि फिर तो वो 2,00,000 साल बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। ईड बोलता है कि वो 2,00,000 साल कल पूरे हो जाएंगे, यानी वो सभी एलियंस कल धरती पर आ रहे हैं। तभी मरीना के पास यूरा का कॉल आता है और यूरा ये बात मरीना को बताता है कि एक छोटे बच्चे ने हमारे एक सैनिक को मार दिया और हमने इस बच्चे को फिर मार दिया। इससे मरीना को पता चल जाता है कि जो लोग जिंदा बचे हैं उनका दिमाग कंट्रोल कोई और ही कर रहा है और उसे ईड की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो फैसला करती है कि मैं तुम्हें साशा के पास ले जाऊंगी ताकि तुम दोनों रात तक पहुंच जाओ। वही एक जगह पर जहां पर टीम गश्त लगा रही थी वहां पर बहुत सारे लोग हथियारों के साथ आ जाते हैं और वो टीमों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लोकल लोगों के इस हमले में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। वही ईड भी साशा के पास आ जाता है और वो उसके दिमाग को हाथ लगाकर बोलता है कि तुम अपने आंखें बंद करके देखो कि रा आखिर है कहां पर। पर तब साशा आंखें बंद करके एक बिल्डिंग की तस्वीर बना देता है और ईड को पता चल जाता है कि रा इसी बिल्डिंग पर है, लेकिन साशा को ऐसे लगने लगता है कि रा उसको देख रहा है। इस बात से साशा डर जाता है और अपनी आंखों को खोल लेता है। इसीलिए ईड फैसला करता है कि हमें उस बिल्डिंग पर जाना होगा जहां पर रा है। इसलिए सैनिकों के 3 टैंक यहां से चले जाते हैं, लेकिन ईड अपने साथ साशा को नहीं लेकर आता। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि जहां से ये लोग आए थे वहां पर बहुत सारी मिसाइलें आकर गिर जाती है और वो पूरी तरह तबाह हो जाती है। मरीना ईड से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तबीर बताता है कि इस वक्त अगर साशा हमारे साथ होता तो ये मिसाइलें हम पर होती, क्योंकि रा ने साशा के द्वारा हमें देख लिया है और अब रा को लगेगा कि साशा के साथ मैं भी मारा जा चुका हूँ, इसलिए हमारे पास समय कम है और हमें बिल्डिंग तक जल्द से जल्द जाना होगा। वही यूरा और ओलिया एक बिल्डिंग पर होते हैं। बाकी सैनिक तो जान से मारे जाते हैं, लेकिन यूरा और ओलिया बच जाते हैं और ये दोनों फैसला करते हैं कि यहाँ से ये दोनों दूसरे टीम के पास जाएंगे जहाँ पर ओलेग है, और ये लोग गाड़ी की मदद से ओलेग की टीम तक पहुँच जाते हैं। ओलेग बताता है कि हमारे टीम के लोग भी मारे जा चुके हैं, लेकिन हम थोड़े लोग अभी भी जिंदा है। लेकिन तब तक इन लोगों के पास मेजर भी पहुंच जाता है, लेकिन मेजर बोलता है कि हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि हम रा के पास जा रहे हैं जो इन सब चीजों को करवा रहा है। इसलिए सभी सैनिक उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं तब यहाँ पर बहुत सारे लोकल लोग होते हैं जिनके हाथ में हथियार होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोकल लोग ऐसे भी है जो अपने आप को बॉम्ब लगाकर एक टैंकर को उड़ा देते हैं। इसलिए मेजर फैसला करता है कि हम बिना देरी किए ही उस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और वो अपने टैंकरों को इन लोकल लोगों पर चढ़ा देते हैं और इस तरह से ये टैंकर लोगों को कुचलते हुए रा की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। वही यूरा और रेड किसी तरह लोकल लोगों को मार कर बिल्डिंग की टॉप तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर रा खड़ा होता है। यूरा जब रा को मारने के लिए जाता है तब रा यूरा को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। यूरा जब जैसे बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है वो बिल्डिंग के कोने को पकड़ लेता है जिससे वो नीचे गिरने से बच जाता है। तभी यहाँ पर रा और ईड इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार ईड रा के पेट से उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने वाला डिवाइस निकाल लेता है। तब तक यूरा भी यहीं पर आ जाता है और वो रा के पेट में एक ग्रेनेड लगा देता है। इससे रा वहीं पर मर जाता है। रा के मरते ही जितने भी आदमी यहाँ पर रा के कंट्रोल में थे वो सभी लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद बाकी बचे हुए सैनिक ऊपर आते हैं। तभी ईड इन सभी को बोलता है कि तुम लोग आने वाले एलियंस से तैयार रहो।
उनका शिप यहाँ पर आता ही होगा और अब से मैं तुम सबका भगवान हूँ। इस बात से ये सभी लोग भड़क जाते हैं। ज़ेनिया बोलता है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी हमें धोखा दे रहे हो। अगर तुम इस तरह से रा को खत्म कर सकते थे तो तुम एक महीने पहले भी हमें बचा सकते थे और इस पूरी धरती को बचा सकते थे। तब ईड बोलता है कि ये मेरा प्लान का हिस्सा था। आगे वो बताता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ ताकि मैं अपने प्लान को अंजाम दे सकूँ, लेकिन तब तुम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे ही माइंड को कंट्रोल में कर लिया और तुम लोगों को आपस में लड़वाया ताकि तुम सभी जल्दी जल्दी खत्म हो जाओ, और हमारा प्लान काम भी किया। मैंने सभी लोगों को मारा और सिर्फ तुम लोगों को छोड़ा ताकि तुम लोग मेरे लिए काम करते रहो। ज़ेनिया को इस बात से गुस्सा आता है और वो ईड को चाकू से मार देता है, लेकिन असल में वो चाकू मरीना को मार देता है क्योंकि ज़ेनिया को समझ नहीं आया कि आखिर ईड कौन था। ओलेग भी ईड को मारना चाहता है, लेकिन यूरा बोलता है कि हम इसके बगैर जिंदा नहीं बच पाएंगे, यही हमारी उम्मीद है। इस तरह से ओलेग और यूरा इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। ज़ेनिया भी ईड को मारने के लिए जाता है, लेकिन ईड ज़ेनिया का गला घोट देता है। इस दौरान ईड के पास एक डिवाइस होता है जो नीचे गिर जाता है, लेकिन ईड को इस बात का पता नहीं चलता। ओलेग भी यूरा को घायल करके ईड पर गोली चलाता है, लेकिन ईड ओलेग के पिता का रूप ले लेता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे मारोगे। अचानक ज़ेनिया को हो जाता है और वो ओलेग के पिता को अपने साथ नीचे गिरा देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ज़ेनिया ने ईड को मार दिया। अब यहाँ पर केवल चार लोग बचे हैं और ये चारों जब आसमान में देखते हैं तो एलियन का बहुत बड़ा शिप धरती पर आ पहुंचा है। धरती पर आते ही इस एलियन शिप का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर से कोई एलियन बाहर नहीं आता। यहाँ पर ईड का डिवाइस जो गिर गया था वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। ओलेग यूरा को बोलता है कि तुम उस स्पेसशिप में जाओ और वहां पर जितने भी एलियन से उन्हें खत्म कर दो। यूरा यहाँ से ओलिया और एलिना इन दोनों के साथ उस स्पेसशिप में चला जाता है, लेकिन देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्लीपिंग चेंबर हैं जिनमें एलियन सोए हुए हैं और इनमें एक टाइम लगा हुआ है। वो टाइम पूरा होते ही ये सारे एलियन जग जाएंगे। ओलेग के हाथ में जो डिवाइस है उससे वो समझ जाता है कि इन सभी एलियंस को जगाने का काम ईड का था। यहाँ पर बहुत सारे पाइप्स है जो इन एलियन के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। तभी तीनों फैसला करते हैं कि ये सब मिलकर इन पाइप को काट देंगे और ये एक पाइप का काटना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे तरल पदार्थ बाहर आता है और इन पाइपों को कटते ही एक एक करके सारे एलियन मरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके स्लीपिंग चेंबर के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, इसलिए ये तीनों मिलकर इन एलियन के ऑक्सीजन सप्लाई को काट देते हैं। लेकिन आखिरी स्लीपिंग चेंबर बचते हैं और वो उनमें देखते हैं कि इसमें एलियन के बच्चे हैं, इसलिए ये स्लीपिंग चेंबर के ऑक्सीजन को नहीं काटते। लेकिन तब तक टाइम भी पूरा हो जाता है और इन स्लीपिंग चेंबर से बहुत सारे बच्चे बाहर निकलते हैं और ये एलियन के बच्चे इंसानों को देखकर डर जाते हैं। ओलेग के हाथ में गन होती है, वो नीचे रख देता है। इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म होती है। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।